हेलो एवरीवन, रजनी के चैनल में आपका स्वागत है। आज चलिए चेक करते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं। यूनिवर्स बताइए, ये रीडिंग कलेक्टिव और टाइमलेस है, मेल फीमेल सबके लिए है। आप जब देखोगे वहीं से रेजोनेट करेगा और ये टाइमलेस भी है। यूनिवर्स बताइए कि क्या जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर उनके लिए लॉयल हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रखा है, आपको भी रखा है और थर्ड पार्टी को भी रखा है, और आपका दिल तोड़ा है उन्होंने। आप देखते हो टैरो की रीडिंग कैसे मेरा जो टॉपिक होता है कार्ड भी वैसा ही निकलता है। यूनिवर्स अब आप बताइए। ओ बाबा, जब निगेटिव कार्ड आता है ना तो कार्ड ऐसे जंप करता है। देखिए कैसे बीच से जंप किया। यूनिवर्स, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं क्या उनके पार्टनर क्यों उनका दिल तोड़े, कारण क्या था दिल तोड़ने का। यूनिवर्स, फोर ऑफ वांड्स, मैंने कारण पूछा कि दिल तोड़ने का क्या था तो यूनिवर्स ने रीयूनियन का कार्ड दे दिया। टैरो कार्ड के 78 कार्ड में से यूनिवर्स ने रीयूनियन का दिया। बहुत लोगों की लाइफ में रीयूनियन होगा। आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा, थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी रखा आपके रहते हुए, लेकिन अब उन्हें पश्चाताप है और वो आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं और एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ। वो ये रीयूनियन का कार्ड है, ये दिल तोड़ने का है तो ये रीयूनियन का है। मैंने कहा ना कि मेरी रीडिंग में एक जादू है, मैं जो कहती हूँ यूनिवर्स मेरी बात को सुनते हैं और उसी से रिलेटेड कार्ड भी निकालते हैं। यूनिवर्स अब बताइए, अब फ्यूचर अब आगे का बताइए क्या है। फ्यूचर बताइए, दिल तो तोड़ने का कार्ड भी आया, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आ गई, रीयूनियन का भी आ गया। कार्ड देखो, ओ लो, दो कार्ड एक साथ आ गया। चलिए पहले ये आया था ना तो इसको लूँगी। आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत तुतु मैं किया है सॉरी, और आप दोनों ने एक दूसरे की बात को भी पकड़ कर रख लिया है। कोई किसी से कम नहीं है और दोनों की एनर्जी भी गुस्से वाली है, तलवार लेकर के एक दूसरे का गर्दन काटने के लिए एकदम तैयार। आप लोग बातों को छोड़ना नहीं है, लेट गो नहीं करना है, पकड़ पकड़ के रखे हो। और ये रीयूनियन कब होगा, जब इस सारी एनर्जी से आप निकलोगे। चार कार्ड हो गया है, एक कार्ड और लेती हूँ फिर बॉटम से लेंगे। नाइट ऑफ वांड्स, गुस्सा इतना ज़्यादा तेज है आपके अंदर में कि गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, जबकि यूनिवर्स ने रीयूनियन का कार्ड दिया है। यूनिवर्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड इस रीडिंग में क्यों आया है। यूनिवर्स, इस रीडिंग में थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आने का कारण टेन ऑफ वांड्स, काफ़ी बर्डन और लोड महसूस आपके पार्टनर आपके लिए करते थे, आप उनके लिए बोझ बन गए थे। सॉरी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है रीडिंग में। यूनिवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड रीडिंग में क्यों आया है। क्वीन ऑफ कप, थर्ड पार्टी भी निकल कर आ गई ना,
दो दो कार्ड थर्ड पार्टी का निक, इसीलिए आप गुस्से में हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यूनिवर्स? फाइव ऑफ कप यूनिवर्स कहते हैं कि जो पकड़ कर रखे हो बातों को, भूल नहीं रहे हो, उसकी याद में उदास मायूस हो। लेकिन यूनिवर्स कहते हैं अभी भी तुम्हारे पास दो कप तो बचे हैं ना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इनके रीडिंग में क्यों आया है यूनिवर्स? नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है रीडिंग में यूनिवर्स? विल ऑफ फॉर्चून, बहुत दिनों से आपका जो काम रुक गया था वो दोबारा फिर स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। विल ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मेजर अरकाना का 22 कार्ड में सबसे बेस्ट कार्ड है विल ऑफ फॉर्चून। रीयूनियन का कार्ड क्यों आया यूनिवर्स? रीयूनियन का कार्ड क्यों आया? फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? किंग ऑफ कप, क्योंकि आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए अभी भी प्यार है। इतनी फाइटिंग और लड़ाई के बाद भी आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इमोशन और प्यार है। बॉटम ऑफ डेक से तीन कार्ड लेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के बीच में झगड़े इसलिए हुए क्योंकि निगेटिव एनर्जी किसी ने किया था, किसी की निगेटिव एनर्जी आप लोगों को लगी थी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की तरफ अभी भी देख रहे हो। कार्ड में गायब नहीं होना चाहिए, बीच में एकदम सिक्वेंस से लगाना चाहिए। थ्री ऑफ कप, इतनी लॉसेज आपके हुए हैं इमोशन में, कप इमोशन और प्यार को दिखाता है। यूनिवर्स कहते हैं कि जो लॉस हो गया है उसकी याद में क्यों उदास मायूस बैठे हो, अभी भी तो एक कप यूनिवर्स ऑफर कर रहे हैं, अभी भी तो यूनिवर्स रीयूनियन करा रहे हैं तुमको। हाँ, आँख ऊपर करो, हाथ खोलो और एक्सेप्ट करो इस कप को। यूनिवर्स कहते हैं कि जब तुम्हारा रीयूनियन हो जाएगा तो द सन की एनर्जी में तुम आ जाओगे, मेजर अरकाना का। और द सन की एनर्जी में जब फैमिली लाइफ तुम्हारी अच्छी हो जाएगी तो प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी होगी। द चैरियट, एक दूसरे के लिए लॉयल बनो, ईमानदार बनो। आज का मेरा टॉपिक क्या था? क्या आपके पर्सन आपके लिए लॉयल हैं? यूनिवर्स कहते हैं एक दूसरे के लिए ईमानदार बनो, यूनिवर्स का मैसेज है। तीन कार्ड मैं यूनिवर्स के तरफ से ले रही हूँ, उनका मैसेज है। द सन की एनर्जी, मेजर अरकाना का। द चैरियट, मेजर अरकाना का कार्ड। बॉटम ऑफ डेक से मैं ली हूँ। अ नाइट ऑफ कप, आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर, आपके लवर्स आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। जस्टिस होगा, न्याय मिलेगा, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आती होगी, और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। किस तरह का वीडियो देखना आपको पसंद है ये भी बता सकते हैं। अगर आप भी पर्सनल रीडिंग निकलवाने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7668702542 पर कांटेक्ट करें। ओनली वन क्वेश्चन 20 मिनट, 350 चार्ज है।
डिटेल रीडिंग होगी, रेमेडीज भी मिलेगी। 1 आवर 5 से 6 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो उसमें विथ रेमेडीज। ऑरा की क्लीनिंग उसमें सब बताएंगे, मेडिटेशन भी बताएंगे करना। मत पड़ी रहिए निगेटिव सिचुएशन में, अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। 1 आवर का चार्ज 1500 है और 1 क्वेश्चन 20 मिनट का चार्ज 350 है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको अगर प्राणिक हीलिंग का भी कोर्स करना है या टैरो सीखना है, घर का वास्तु चेक करना है, करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। आप ये मत सोचिए कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, नहीं होता है, अपने आप ठीक करना पड़ता है विथ रेमेडीज़ के द्वारा। पर्सनल रीडिंग नहीं करवा कर आप अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जान सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।